जिला यमुनानगर में आखिरकार नशे के बढ़ते मामले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे। एक तरफ तो नशा तस्कर लगातार नशे की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जिला यमुनानगर का जिला पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ जंग शुरू करते हुए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। क्या है ये नशा? लेकिन आज नशा फैशन की दुनिया का एक फैशन बन चुका है और आज न जाने कितने लोग इस नशे का सेवन करने के चलते अपनी अपनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं और यहां तक कि अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी कितनी कीमती है जो बार बार नहीं मिलती, लेकिन नशा तस्कर किस तरह से मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। और आज इसी के चलते यमुनानगर का जिला पुलिस प्रशासन यानी कि यमुनानगर के हमीदा चौकी इंचार्ज और उनकी पूरी टीम नशे के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आई। आज आत्मापुरी कॉलोनी के रहने वाले एक युवक जिसका नाम आरिफ है, जिसकी उम्र 22 साल की बताई जा रही है, जिसे 30 ग्राम हेरोइन के नशे के साथ बीते एक दिन पहले शाम के समय गड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया। टीम ने जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 30 ग्राम का हेरोइन का नशा जो है वो इससे बरामद किया जाता है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। 4 साल पहले आरिफ नाम का ये युवक जो है जेल से हिरासत से जमानत पर जरूर बाहर आया, लेकिन कुछ समय सही रहा और उसके बाद डीजे का काम करने लगा। लेकिन डीजे का काम पूरा करके जब इसका गुजारा नहीं चला तो उसके बाद ज्यादा पैसा कमाने की लालच में दोबारा से नशे की दुनिया का सप्लायर बन बैठा। लेकिन बीते एक दिन पहले यमुनानगर के हमीदा चौकी इंचार्ज गुरदियाल और उनकी टीम के द्वारा आरिफ के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। 30 ग्राम हेरोइन के नशे के केस में आरिफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे आगे की कार्यवाही के लिए पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि कहां से ये नशा लेकर आता था, कहां कहां इसकी सप्लाई करता था और कितने इसके साथी इसमें शामिल हैं। एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के हमीदा चौकी से मैं लाइव जुड़ चुकी हूं। आरिफ को आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से गुरदियाल जी के संज्ञान में यह जानकारी आती है, एक बार गुरदियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरदियाल सर, नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया है, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से जानकारी मिलती है आपको? हाँ देखिए, कल हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी हमारे मुखपुरी से मिली थी कि यहाँ पे आरिफ नाम का व्यक्ति आत्मापुरी कॉलोनी का लगातार समय के बेचने काम कर रहा है, जिसको हमने मुखबरी के आधार पे गड़ी रोड से काबू किया और मौका पर हमने हल्का अफसर डीएसपी साहब को मौका पर बुलाया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके कब्जे से 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और हमने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के केस दर्ज तहत केस दर्ज कर लिया है और आज उसको माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है, जहाँ से उसका आगे की कार्रवाई के लिए मूल सत्रों तक पहुँचने के लिए उसको पुलिस रिमांड पर दिया जाएगा। जी गुरदियाल जी, पता चला कहाँ से नशा लेकर आ रहा था, क्या इसके और भी साथी इसमें शामिल हो सकते हैं? जी, उसी की जाँच के लिए अभी इसको पुलिस रिमांड पर दिया जाएगा और ऐसा नहीं है, इसको इसके मूल सत्रों तक हम पहुँचेंगे। उसके कुछ साथी यहाँ लोकल भी हैं और कुछ इसके बाहर यूपी के भी हैं, जो जैसी चीज है उसके लिए हम आगे किसकी कार्रवाई में आगे जारी रहेगा। गुरदियाल जी, यमुनानगर जिले में हर किसी की जुबान पर हमीदा एरिया सबसे ज्यादा सामने आता है कि हमीदा में नशा जो है उसकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप किस तरह से अपने एरिया के अंदर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और नशे को जड़ से खत्म कर रहे हैं? देखिए, हम उसके लिए लगातार लोगों के साथ आम जन से संपर्क बनाया हुआ है, बच्चों के साथ शाम को हम ग्राउंड में जाते हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिम में जाते हैं जो बच्चे लगातार इस तौर पर हैं और उसको देखा देखी एक से लगातार जुड़ते हुए सैकड़ों बच्चे आज गेम की तरफ भी जागरूक हो रहे हैं और लगातार जो ऐसा काम करने वाले हैं उनको भी लगातार गिरफ्तार करके जेल में भिजवाया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही ये मुहिम जारी रहेगी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार। अब इसमें क्या है कि एक को जेल चलेगा उसका साथी को दूसरा और सीख के दूसरा करने लग जाता है, लगातार उनकी धरपकड़ जारी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि 30 ग्राम हेरोइन के नशे के केस में आत्मापुरी कॉलोनी के रहने वाले आरिफ को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से अब रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कितने साथियों के साथ मिलकर ये यमुनानगर जिले में कहां कहां नशे की सप्लाई कर रहा था। लेकिन आज नशा फैशन की दुनिया का एक फैशन बन चुका है। आज जो हमारे देश का, हमारे यमुनानगर जिले का जो युवा है वो नशे का सेवन तो कर रहा है लेकिन भद से भदतर जिंदगी जी रहा है। लेकिन अगर उनके माँ बाप को देखा जाए तो वो अपने बच्चों को इस तरह के हालातों का सामना करते हुए देखने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि आने वाले समय में जिला यमुनानगर से नशे को जड़ से खत्म किया जा सके और मासूम लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं यमुनानगर के हमीदा चौकी से लाइव जुड़ी थी। मेरी इस खबर को देखने वाले इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के हमीदा चौकी से मनदीप कर की रिपोर्ट।